अस्सलामुअलैकुम क्लास फाइव। आज हम क्लास फाइव का टॉपिक फर्स्ट द ह्यूमन बॉडी, इसमें पेज नंबर 14 करेंगे। ठीक है, इट इज अबाउट स्केलेटल सिस्टम। हमारा जो स्केलेटल होता है, हमारा ढांचा जो होता है जिसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, वो किस तरह से है, उसके क्या फंक्शंस हैं, आज हम इसके अबाउट सारा पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सामने स्केलेटल सिस्टम की पिक नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है। इसमें हमारे डिफरेंट जो पार्ट्स हमको लेबल किया गया, ये स्कल है जो हमारे क्या करती है, ब्रेन को सेव रखती है डैमेज होने से। इसी तरह से हमारी रिब केज है, रिब केज क्या करती है, हमारे हार्ट को और इसके अलावा हमारे लंग्स को भी सेव रखती है ताकि वो डैमेज ना हो। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के जो है वो जॉइंट्स होते हैं, एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और दूसरों को क्या कहते हैं, हाइंड जॉइंट। ठीक है, जो हमारे शोल्डर्स हैं या जो हमारे हिप हैं, उनके जो जॉइंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। और जो हमारे एल्बो में, यहाँ एल्बो में, और जो हमारे नीज में यहाँ पर जो जॉइंट है उनको क्या कहते हैं, हम हिंड जॉइंट। ठीक है, ये दो तरह के जॉइंट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है, जो हड्डियां हैं, वो सारी मिलकर क्या बनाती हैं, हमारा स्केलेटल सिस्टम। जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसकी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं, जो वो बेबी होता है बेबी की बॉडी के अंदर 300 बोन्स होती हैं। लेकिन जो जो वो ग्रो करता है तो तब क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर 206 बोन्स हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये होता है कि उसकी कुछ बोन्स जो है वो फॉल कर गई हैं? नो, बल्कि क्या होता है, उसके कुछ बोन्स जो है वो दूसरी बोन्स के साथ मिल जाती है और मिलके कोई लार्जर बोन बन जाती है। इस वजह से उसकी बोन्स जो है, उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, 300 से 206 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना, डू यू डिड यू नो, इसमें भी ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ कि कैसे एक बेबी है उसकी बॉडी के अंदर 300 बोन्स हैं, लेकिन जब वो ग्रो करेगा अडल्ट बनेगा तो उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगी, 206 बोन्स होंगी। अब आज हम पढ़ेंगे आगे स्केलेटल सिस्टम जो है उसके कौन से फोर मेन पर्पजेज हैं, वो काम क्या करता है। सबसे पहले तो ये है कि वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और हमें ग्राउंड पर गिरने से, क्लास करने से रोकता है। जैसे अगर हमारा यहाँ मैं खड़ी हूँ तो किस वजह से, मेरी बोन्स यानी कि मेरे स्केलेटन सिस्टम में मेरी हेल्प की है और इस वजह से मैं यहाँ खड़े होने के काबिल हुई हूँ। अगर मेरी बोन्स ना होती, ठीक है, अगर जैसे ये बुक है, बुक के अंदर कोई पेज है उसको हम ऐसा खड़ा कर दें तो क्या होगा, फौरन से नीचे गिर जाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं है। तो हमारी बॉडी की सपोर्ट के लिए अल्लाह ताला ने क्या बनाया हुआ है, हमारा स्केलेटन सिस्टम जो हमें सपोर्ट करता है। इसके बाद आगे है, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनको भी डैमेज से बचाता है। जैसे यहाँ पर हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर हमारा ब्रेन है। ठीक है, स्कल जो है वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट को, लंग्स को, रिब केज प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को। तो बाहर क्या आए होंगे इन ऑर्गन्स के, यानी कि हार्ट और लंग्स से बाहर रिब केज बनी हुई है। इस तरह से स्केलेटन सिस्टम है जो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सेव रखता है डैमेज से। इसके बाद क्या है, इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस। इसके अलावा ये हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी अपनी जगह पर रखने में भी हेल्प आउट करता है। ये नहीं होता कि हमारा हार्ट अगर यहाँ आए तो किसी टाइम वो नीचे चला जाए, नो, बल्कि क्या है, जहाँ फिक्स है वही रहता है। क्यों, क्योंकि हमारा स्केलेटन सिस्टम इस चीज में हेल्प आउट कर रहा है। इसके अलावा क्या है, इट वर्क्स विद योर मसल्स एंड टेंडन्स टू इनेबल यू टू मूव। ये हमारे मसल्स और टेंडन्स के साथ मिलकर क्या करता है, हमें मूव करने में हेल्प करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मसल्स वगैरह हैं। ओके, अब आ गया है कि वो वाला पॉइंट, जैसे जॉइंट पेचे भी हमने पढ़ा था कि जहां पर दो बोन्स आपस में आकर मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जॉइंट, जोड़ होता है। ठीक है, अब इसी तरह से है, वो जॉइंट जो होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, किस तरह से उन बोन्स को एक जगह पर रखा जाता है, द बोन्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स विच आर शॉर्ट बैंड्स ऑफ टिश्यूज। जो हमारे बोन्स हैं उनको लिगामेंट्स के जरिए जो है वो प्रॉपर प्लेस में रखा जाता है, जो क्या है, टिश्यूज का ही एक छोटा सा बैंड है। ठीक है, वो क्या करते हैं, बोन्स वगैरह को साथ कनेक्ट करते हैं और उनको प्रॉपर प्लेस पर रखने में हेल्प आउट करते हैं। ओके, अब कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि
मूव कर जाते हैं, कुछ जाइंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, ठीक है। जैसे कि हमारा स्कल है जो हमारा ब्रेन का है, ये क्या है, ऐसा जॉइंट है जो मूव नहीं करेगा, लेकिन कुछ जॉइंट हमारी बॉडी के अंदर जो है इस तरह से है जो मूव कर, जैसे अगर हम अपने एल्बो को ले, ठीक है, यहाँ से इसको, तो हम अपनी बाजू का ऐसे बेंड भी कर लेते हैं, सीधा भी कर लेते हैं, ठीक है, क्यों, तो यहाँ पर जो हमारा जॉइंट है वो क्या कर रहा है, मूव कर सकता है, लेकिन जो हमारा स्कल है, हमारे ब्रेन का जो जॉइंट है यहाँ पर स्कल जॉइंट, वो मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पर फिक्स ही रहेगा, ठीक है। अब ये है कि जो बाल और साकिब जॉइंट और हाइंड जॉइंट के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, तो हमारी जो हिप के और जो शोल्डर के जॉइंट है ये वाले, ये क्या है, बाल एंड साकिब जॉइंट है। और इसी तरह से जो हमारे नी और एल्बो के जो जॉइंट है, यहाँ पर एल्बो और नी के जॉइंट है, वो क्या है, हाइंड जॉइंट है। और इनमें से कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि मूव कर जाते हैं और कुछ जॉइंट फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते। अब आज हमने ये स्केलेटन सिस्टम के अबाउट सारा पढ़ा है कि किस तरह से उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स, किस तरह से उसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं। तो जैसे टेंडन्स है, वो भी क्या है, टिश्यू की ही एक टाइप है, और वो क्या करते हैं, हमारे मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो आपने अब इसको सारे को अच्छी तरह से घर में रिक्योर करना है। इसके अलावा इसमें जो लिगामेंट्स की, टेंडेंस वगैरह की जो डेफिनेशंस आ रही है, उनको अच्छी तरह से रीड आउट करें। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।